दिन भर के सह प्रायोजक हैं विष्णु शंकर ज्वेलर्स, स्विगी, मुथूट फाइनेंस। साई प्रणाम, सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए हमेशा की तरह नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। गणतंत्र दिवस को भव्य रूप से मनाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई बैठक। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने CCTNS कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष ने जिलाधिकारी सभागार में अधिकारियों के साथ की बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। राज्य युवा कल्याण परिषद के उपाध्यक्ष विभ्राट चंद कौशिक ने कहा, राष्ट्रीय युवा उत्सव में प्रदेश के युवा प्रतिभागियों को मिलेगा वृहद मंच। जिले में ऑपरेशन गरल को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में आयोजित हुई समीक्षा बैठक, दिए आवश्यक निर्देश। महापौर ने गोरखपुर मैरिज हॉल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी के सदस्यों को दिलाई शपथ। एंटी रोमियो प्रभारियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पुलिस लाइन सभागार में की बैठक। पुलिस अधीक्षक दक्षिणी ने उरवा थाने का किया अर्धवार्षिक निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य प्रमुख सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के लाभ को जन जन तक पहुँचाने का अधिकारियों को दिया निर्देश। दृश्य कला के छात्र छात्राओं द्वारा हस्त निर्मित ग्रीटिंग कार्ड प्रदर्शनी का गोरखपुर विश्वविद्यालय के ललित कला विभाग में हुआ आयोजन। अपनी अलग अलग मांगों को लेकर प्रजापति महासंघ ने नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा ज्ञापन। सिख, हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों ने नानका साहब गुरुद्वारे पर हमले के विरोध में पाकिस्तान का प्रतीकात्मक पुतला फूंक किया विरोध प्रदर्शन। विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर JNU में हुए हमले के विरोध में SC ST OBC और अल्पसंख्यक छात्रों ने किया विरोध प्रदर्शन। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने JNU की घटना पर किया विरोध प्रदर्शन। और 6A side बालिका हॉकी प्रतियोगिता होराइजन कप के फाइनल में पहुंची वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम। जिलाधिकारी सभागार में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस को ध्वजारोहण, झांकियां एवं परेड को भव्य रूप से मनाए जाने के संबंध में अधिकारियों के साथ एक तैयारी बैठक की गई। ये तैयारी बैठक अति आवश्यक मानी जा रही है, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जिलाधिकारी की ओर से उपस्थित अधिकारियों को दिए गए। बैठक में प्रमुख रूप से CDO हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ, ADM सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव सहित विभिन्न विभागों के जिम्मेदार अधिकारी मौजूद रहे। वैसे कन्या सुमंगला योजना है, नया योजना भी आई है और जो भी विभिन्न योजना है, हर विभाग का एक नया नया चीज है, वैसे उसी का डिस्प्ले के रूप से और किसी के माध्यम से जनता तक इसको पहुंचा सकते हैं। उसी दिन स्वच्छता भी या थोड़ा जोर देना चाहिए था, स्वच्छता होमगार्ड आपकी जो तोड़ी जाएगी इसकी संख्या वगैरह दे दीजिएगा तो इसकी शिक्षा उसे ऑर्गेनाइज कर देंगे। तो आ जाते हो तो बात आती है, हम भेज देते हैं आपको। यानी पहले लेकिन सर पिछली बार हमारे होमगार्ड लगे थे, इस बार जी इसी में है, इसमें है तो अच्छा। एक बार तो आप लोग सरस्वती का बहुत अच्छा है, सरस्वती का संस्कृति का भी है।
कई जगह तो बिजी हम रहते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। पार्टी कहाँ मतलब जैसे क्योंकि कई जगह प्रोग्राम कॉलेज में है सर और उसमें है बहुत अच्छे हमारे पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता ने CCTNS कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ एक बैठक की। बैठक में सभी कंप्यूटर ऑपरेटर मौजूद रहे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने फरियादियों की समस्याओं और प्रार्थना पत्रों के हिसाब से बिना किसी के भेदभाव के मुकदमों का पंजीकरण करने जिससे पीड़ित पक्ष को न्याय मिले इसका आदेश दिया। बैठक में PRO राजेंद्र मिश्रा, वाचक नीरज राय आदि मौजूद रहे। मैडम कहाँ गई तुम्हारी? मैडम सर विधानसभा भवन में था वो। नंगा इतराइज यस बुलरिया गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष यशवंत सिंह उर्फ अतुल सिंह ने जिलाधिकारी सभागार में अधिकारियों व गौ सेवकों के साथ बैठक कर गौ सेवा स्थलों में हो रहे पशुओं के बारे में अधिकारियों से जानकारियां प्राप्त कर उन्हें आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडियन, CDO हर्षिता माथुर, पशु चिकित्सा अधिकारी SDM बांसगांव पंकज दीक्षित, SDM खजनी विपिन कुमार सहित गौ आश्रय स्थल और कान्हा उपवन संचालक मौजूद रहे। उसके अलावा हम लोग एक गोकुल समिति एक बना करके चंदा कलेक्ट करके कुछ कार्पस बना रखा है। जबकि समय मान लीजिए जाड़े के मौसम में जानवर का जो पर्दा लगाना है और तो और कुछ अवशेष अतिरिक्त चीज का जो जरूरत है उसको मैनेजमेंट तो उस समय में ढंग से नहीं कर पाए, उसे थोड़ा जानवर वहाँ अव्यवस्था हो गई, इसलिए हम लोग भेजना बंद कर दिया। ब्लॉक लेवल पे समिति बना हुआ है, फिर तहसील लेवल पे समिति है, इसलिए हम लोग अध्यक्षता करते हैं, जिला स्तर पर हम लोग लगातार मॉनिटरी करते हैं। जाड़े में भी लगभग अभी एक सप्ताह पहले इन लोग सब जगह जाकर के जांच किए, उसके व्यवस्था देखते हैं और कहीं जो कमियाँ हैं तो डॉक्टर साहब बता देते हैं, उस हिसाब से कराते हैं। 45 ग्रामीण इलाका में है सर मोटा मोटा, ये दो है। उसके अलावा शहरी इलाका में एक नगर निगम में है, उसके अलावा नगर निकाय में सहजनों में भी हमारा नगर निकाय में चल रहा है, अभी चालू है, चल रहा है। और बड़हलगंज में हमारा निर्माणाधीन है सर, बड़हलगंज हमारा जो गोला के पास है वहाँ एक निर्माणाधीन गौशाला है। अभी पहले से काफी स्तर तक हम लोग जो छुट्टा जानवर को हम लोग बंद कराते हैं। अब शहर में थोड़ा समस्या था कि तो शहर में क्या तो दिन में तो घर के पाल जो पालतू जानवर है उसको रख के फिर छोड़ देते हैं समय समय, तो उसी के ऊपर हम लोग अभियान चला रहे हैं। उसके हम लोग टैगिंग पहले शुरुआत में टैगिंग करा करके अभी तो पहले तो पहचान नहीं पाते हम लोग किसका जानवर है क्या चीज़ है, अभी लगभग शहर में लगभग सारे जानवरों की टैगिंग करा दी। उसी राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आगामी 12 से 16 जनवरी के मध्य किया जाना है। इस आयोजन के दौरान युवाओं की सांस्कृतिक विभाग को एक वृहद मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विभिन्न विधाओं में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में वन प्ले, लोक नृत्य, लोक गायन, शास्त्रीय वादन, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय गायन सहित अन्य कलाओं में युवाओं की प्रतिभाओं को निखारने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के युवा कल्याण विभाग एवं भारत सरकार के अंतर्गत नेहरू युवा केंद्र और राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा किया जा रहा है, जिसकी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से राज्य युवा कल्याण के उपाध्यक्ष डॉक्टर विभराट चंद कौशिक ने दी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, लखनऊ मंडल के नेतृत्व में हम लोगों ने सारी समितियां गठित की हैं और वो पर्यवेक्षण का काम भी कर रहा हूँ। कितने प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहे हैं?
लगभग 20,000 प्रतिभागी जो है उसमें भाग लेंगे। और सबसे पहले हम लोग अलग अलग राज्यों का उनके उनके झंडे उनके उनके परिधान में वो मार्च पास्ट कराएंगे, और मार्च पास्ट के बाद उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। उद्घाटन के कार्यक्रम के बाद अन्य जितने कार्यक्रम होंगे, जैसे नृत्य के, संगीत के, गीत के, ढोलक के, वादन के, बांसुरी के, ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो लखनऊ में है इसमें कराएंगे हम लोग। वो हमारे साथ एक विभाग और है, प्रांतीय रक्षक दल, जिसको आप लोग PRD कहते हैं, उसके भी हम स्वयंसेवकों को जो 18 से 35 वर्ष के हैं उनको भी काफ़ी संख्या में इसमें हम लोग लगा रहे हैं, सुरक्षा के भी दृष्टि से और प्रशिक्षण के भी दृष्टि से। वो महीनों से लगे हुए हैं। तो मैं आप लोगों को आमंत्रित करता हूँ कि आप लोग आइए, उस प्रतिस्पर्धा को देखिए। बहुत बड़ी राष्ट्रीय युवा महोत्सव आयोजित हो रहा है, क्योंकि आप जान रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश विश्व में सर्वाधिक युवाओं वाला प्रदेश है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा युवा रहते हैं। ये जो है राजस्व के दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है। तो यहाँ हो रहा है, ये आयोजन भव्य हो इसके लिए हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की छवि जब बाहर में लोग जाएं तो और यशस्वी बने और उत्तम बने और गौरवशाली बने, इसका भी प्रयास हो रहा है। पुलिस लाइन सभागार में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में ऑपरेशन गरल को लेकर जिले के सभी थानों में अवैध शराब से जुड़े मामलों पर विचार किया गया और इसके साथ जुड़े हुए प्रभारियों के साथ एक आवश्यक बैठक की गई। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने जिलों में अवैध कच्ची शराब को पूर्णतः बंद कराने के साथ ही कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। बैठक में जिले के सभी थानों के ऑपरेशन गरल प्रभारी मौजूद रहे। गुंडा की कार्रवाई में तीन थानों ने आज तक कार्रवाई की है पूरे एक साल में। बेलघाट ने 14 इन सब पे आख्या लीजिए, अनुपालन आख्या लीजिए। थानेदार एक रिक्वेस्ट लिख कर लाइए, चौकी फाइल में रखते पढ़े, उसके हिसाब से बनेगा। आई थिंक 13, 14, 15 तो खिचड़ी विचड़ी होगा। कैलेंडर लगा के रखो, 16 तारीख को दिन कौन सा बताओ। गोरखपुर मैरिज हॉल एसोसिएशन का सम्मान समारोह एवं शपथ ग्रहण का आयोजन बक्शीपुर स्थित एक स्थानीय मैरिज हॉल में किया गया। इस शपथ समारोह में बतौर मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल, कार्यक्रम की अध्यक्षता व्यापार कल्याण मंडल के उपाध्यक्ष पुष्प दंत जैन ने की। एसोसिएशन के अध्यक्ष SA रहमान ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र देकर उनका विधिवत स्वागत किया। इस मौके पर एसोसिएशन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं बता अपना पद अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी निष्ठा और अपनी पूरी क्षमता से अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। ईश्वर इसमें मेरी मदद करे। हमारे डायनेमिक मेयर श्री सीताराम जायसवाल जी। इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए एसोसिएशन के अध्यक्ष SAR रहमान ने बताया, ये शपथ ग्रहण समारोह है और साथ में पुष्प दंत जैन जी जो प्रदेश के व्यापार प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष हैं और अपने मेयर सीताराम जायसवाल जी को सम्मानित करना था और साथ में ये शपथ ग्रहण समारोह भी हमारा।
अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष उपाध्यक्ष मंत्री मीडिया प्रभारी इन सभी लोगों ने शपथ ली। जिले में छेड़छाड़ की घटनाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता की अध्यक्षता में पुलिस लाइन के सभागार में एंटी रोमियो प्रभारियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक करके पार्कों होटलों और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर चेकिंग अभियान को और भी प्रभावी कराने का उन्होंने निर्देश दिया और मंचलों पर कार्रवाई करने की भी बात कही। सिकरीगंज कैंपियरगंज सर बैठे तो ये 22 लोग दिख रहे हैं आपने 12 थानों को दिए हैं दरल जो कि हमारा आबकारी अभियान है इसमें हम कच्ची शराब और नकली शराब वगैरह के खिलाफ अभियान चलाते हैं। उस अभियान की आज मीटिंग की गई, साथ ही साथ एंटी रोमियो की मासिक समीक्षा की गई, पिछले साल क्या हुआ दिसंबर के महीने में एंटी रोमियो टीम इसने क्या क्या किया और साथ ही साथ जो हमारा इंटरनल एक CCTNS क्राइम के लिए जो नेटवर्किंग सिस्टम है क्राइम क्रिमिनल नेटवर्किंग सिस्टम उसके लिए एक मीटिंग की गई जिसमें सभी की जो परफॉर्मेंस है वो चेक की गई और दिशा निर्देश दिए। शहर के दक्षिणांचल में स्थित गोला तहसील के अंतर्गत पड़ने वाले उरवा थाने में पुलिस अधीक्षक दक्षिणी विपुल कुमार श्रीवास्तव ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। अर्धवार्षिक निरीक्षण के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली और परिसर का भ्रमण कर स्वच्छता संबंधित जानकारी से वो संतुष्ट दिखे। परिसर में साफ सफाई शौचालय और पेयजल इत्यादि को देखा और पेयजल एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस मौके पर उरवा थाना अध्यक्ष सहित पुलिस बल के जवान मौजूद रहे। कोई भी सूचना देते सही होनी चाहिए, जांच करना दरोगा जी का काम है, उसके बाद कार्रवाई करना इनका काम है। एसओ साहब अपने करेंगे काम, ठीक है। आपको कोई सूचना देना है उसके लिए आज की डेट में कोई किसी के लिए आप कहोगे कि हमारा नाम ना बताए तो कोई नाम नहीं बता रहा, नाम क्यों बताएगा? आप नाम बताएगा तो भी क्या होगा, तो कोई भी बता सकता है ना। आजकल कहीं भी तो दूर दूर रहता है, सबसे नज़दीक आप ही लोग हो चौकीदार के अलावा। चौकीदार बहुत महत्वपूर्ण पद है ना, ग्राम चौकीदार का है जिसको भी पुराने लोग से जानते ही होंगे, नए ना जानते हो। पुराना तो ये लाल साफा का बड़ा महत्व होता था, वही सब कुछ होता था, चौकीदार जो चाहता था वही होता था। बड़े बड़े बाबू साहब लोग परेशान रहते थे, चौकीदार पता नहीं क्या कहते। इस चीज़ को अपने उसको बनाए रखिए, थाने पे कोई सूचना दो, गलत सलत कोई काम हो रहा है, कुछ बिक रहा है, गांजा शराब बन रही है, कुछ भी मतलब जो भी अवैध रूप से हो रहा है उसकी सूचना दे दो। कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी में, होने वाला है, लेकिन ये सिस्टमेटिक थोड़ा काम कर लो। जो आदेश ये मैंने दिया है, ये और भी कागज बहुत से थे हमारे, इनिशियल कागज जो आपको सिंगल वाला दिए थे ना, ये फाइल बना के आप पर्सनल, ठीक है, आप लोग अपने अपने। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द मिलते हैं, कहीं मत जाइएगा। शुद्धता की पूरी गारंटी के साथ हमारे यहाँ पधारे विष्णु शंकर ज्वेलर्स यानी खरा सोना। हमारा पता है विष्णु शंकर ज्वेलर्स, जलकल भवन, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9935720023। हमारी दूसरी शाखा गोपी गली, हिंदी बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9838667050। ब्रेक के बाद दिनभर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ।
लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य प्रमुख सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे ने गोरखपुर के NIC सभागार में अधिकारियों से कहा कि जनपद में सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से मुहैया कराई जाएं। सरकार की महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान भारत सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी सुविधाएं बिना भेदभाव के किए सभी को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में BRD मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर गणेश कुमार सहित अन्य डॉक्टर मौजूद रहे। प्रिंसिपल कन्नौज हैंड होल्डिंग कर देंगे, अगर आप कह दीजिएगा अगले हफ्ते चले गए अम्बेडकर नगर। प्रिंसिपल ये सर आपके यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद ही कर लेंगे, आपके यहाँ किसी को भेजा नहीं जाएगा। गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा नववर्ष दृश्य कला एवं छात्र छात्राओं द्वारा हस्त निर्मित ग्रीटिंग कार्ड की प्रदर्शनी का आयोजन विश्वविद्यालय के ललित कला एवं संगीत विभाग के परिसर में आयोजित किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर सत्यनारायण कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। ललित कला एवं संगीत विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह, गौरीशंकर चौहान, डॉक्टर प्रदीप कुमार साहनी सहित बड़ी संख्या में विभाग से संबंधित अन्य प्राचार्य और कर्मचारी मौजूद रहे। देखते रहे पहले होना चाहिए हर साल। आप लोग गोल घर में लगाते थे ये सिटीवन संवाददाता से बात करते हुए ललित कला एवं संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष प्रोफेसर उषा सिंह ने बताया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार सिंह जी हमारे पूर्व विभागाध्यक्ष रहे हैं। वो रॉ मटेरियल से बने हैं। हाँ, रॉ मटेरियल से डिफरेंट डिफरेंट मीडियम से बनाए गए हैं। वही कहा ना, क्राफ्ट में जो है कुछ पेपर कटिंग करके और भी मटेरियल लेके उसमें ऐड करके वो डिज़ाइन उकेरते हैं बच्चे, और इसको आप मेरा निवेदन होगा कि खुद से भी देखें और इन्हें बताएं कि बच्चे किस तरह से काम किए हैं। भारतीय प्रजापति महासंघ के एकीकरण महाअभियान के जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कुमार प्रजापति के नेतृत्व में विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा गया है और कार्रवाई करने की मांग भी की गई है। इस मौके पर बलराम प्रजापति, राजेश कुमार प्रजापति, केशव प्रजापति, राम नारायण प्रजापति सहित अन्य लोग मौजूद रहे। जांच अधिकारी जाते हैं, मामले को देखते हैं और भ्रामक और गलत रिपोर्ट लगा करके कागज उठा निकालते हैं। ये निहायत गलत तो बताइए जो भी हो, जब तक जनता की समस्याओं का समाधान भैया पीछे रहिएगा। सादर अवगत कराना है कि धनबली पूंजीपति व बाहुबली प्रभावशाली लोगों के अन्याय के चलते गरीब कमजोर आम जनमानस तबाह है। पीड़ित न्याय के 19 से निचले पायदान से लेकर उच्च अधिकारियों तक अनिल कुमार तो सर जो है हम चाहेंगे कि इस पर कुछ रिप्लाई हमें मिले। पाकिस्तान में नानका साहब गुरुद्वारे पर उपद्रवियों द्वारा हमला किए जाने के विरोध में सिख हिंदू मुस्लिम समाज के लोगों ने पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू के नेतृत्व में शास्त्री चौक पर पाकिस्तान का प्रतीकात्मक पुतला फूंककर इस घटना का विरोध प्रदर्शन किया है। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद के ब्रजेश त्रिपाठी, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के सदस्य व सिख समुदाय से जुड़े अन्य लोग मौजूद रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद,
मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान होश में आओ होश में आओ होश में आओ पाकिस्तान होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान होश में आओ मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पंजाबी अकादमी के सदस्य जगनैन सिंह नीटू ने बताया, गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान ननकाना साहब पे हमला होता है और वहाँ के उपद्रवी ये बोलते हैं कि हमला करते हैं और यहाँ तक कहते हैं कि ननकाना का नाम बदल देंगे और यहाँ के सिखों को रहने नहीं देंगे। आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं वहाँ न सिख सुरक्षित है, न हिंदू सुरक्षित है, न सिंधी सुरक्षित है, और उसके बावजूद परसों इतनी बड़ी घटना होती है। जो नानक, जिसके बारे में कहा गया नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु मुस्लिम का पीर, वो सबके हैं, नानक किसी एक सिखों के नहीं वरन संपूर्ण मानवता के गुरु हैं, और उनके जन्म स्थान पर हमला हमारे लिए मक्के पे हमले के समान है। सिख समाज इसे किसी तरह बर्दाश्त नहीं करेगा। जेएनयू में छात्रों और अध्यापकों पर हुए हमले के विरोध में एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों ने विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्र नेता भास्कर चौधरी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में एससी एसटी ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्र मौजूद रहे। पाँच जनवरी को जेएनयू में नकाबपोश अज्ञातों द्वारा जेएनयू अध्यक्ष, शिक्षक और छात्रों को लाठी और राड से जानलेवा हमले के विरोध में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी लेनिनवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में विरोध प्रदर्शन कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। घटना की निंदा करो, जमींदार दिल्ली पुलिस शर्म करो, इनको जिंदाबाद। जेएनयू के छात्र तू संघर्ष करो, इस दौरान मीडियाकर्मियों से बात करते हुए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी के कार्यकर्ता रूबी ने बताया, हमारी मांग ये है कि आप जेएनयू में कल शाम को कुछ नकाबपोश गुंडे घुस के लड़कियों के हॉस्टल में, लड़कों के हॉस्टल में मारपीट किए हैं, उनके साथ तोड़फोड़ किए हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही शर्मी, और पुलिस और वीसी के सह पे हुआ है। गोरखपुर होराइजन द्वारा सिक्स असाइड बालक बालिका हॉकी प्रतियोगिता होराइजन कप का आयोजन बख्शीपुर स्थित मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज में आयोजित किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में लड़कों की कुल 8 टीमें और लड़कियों की 5 टीमों ने प्रतिभा किया है। प्रतियोगिता में वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के बीच फाइनल मैच खेला गया, जिसमें वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज की टीम ने रीजनल स्पोर्ट्स स्टेडियम को 4-1 के अंतर से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इस मौके पर आयोजन समिति के सदस्य व खेल प्रेमी मौजूद रहे। तो दिन भर के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले अंक का कीजिए इंतजार, लेकिन हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमेशा की तरह से टी1 साईं प्रणाम।